सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग उसी क्रम में आज आगे चर्चा करेंगे और आज आपको एक बार और बता दूं मैं कि जो आपकी महामैराथन क्लास है उसमें आप लोग जरूर आइएगा और मैथ का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। और मैंने कहा कि आपके साथ आपका ये द स्पीड स्टडी परिवार सदैव लगा है दोस्तों, और आपका कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए दोस्तों, कमेंट करिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट में आ जाइए, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट में आ जाइए। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट में आइए। नितिन, जय हिंद। एक बार जय हिंद लिखिए सब लोग दोस्तों। जय हिंद का नाम सुनते ही रोआ खड़ा हो जाता है दोस्तों, जोश भर आता है। और एक बार आप लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों। नील प्रताप, विशाल, रौनक, कपिल, नितेश, किशन, नीरज, अजय, एक बार जल्दी से सब लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे, देखिए कुछ हमने लिखा भी है दोस्तों, कुछ हमने लिखा भी है ताकि टाइम ना लगे दोस्तों। क्योंकि देखिए हमने कहा दोस्तों कि वो सारी चीजें बताई जाएंगी जिसमें आपको समस्या हो दोस्तों। जो मैंने लिखा है दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 8 के बच्चे से आप पूछेंगे अगर, तब भी वो भी इसको बता देगा दोस्तों सब। तो इसीलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जो कि पूर्ण अर्थ देता है दोस्तों। फिर हमने पढ़ा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है एक और एक प्रेडिकेट होता है, अर्थात सेंटेंस के दो भाग होते हैं दोस्तों। फिर हमने पढ़ा दोस्तों कि सब्जेक्ट जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, आपके क्वालिफायर, मेन वर्ड और एडजेक्टाइवल फ्रेज। वहीं हमने दोस्तों पढ़ा कि जो आपका सब्जेक्ट है एक और एक प्रेडिकेट है, और हमने प्रेडिकेट में भी पढ़ा दोस्तों कि प्रेडिकेट के भी आपके तीन पार्ट हैं, एक आपका वर्ब है, एक आपका ऑब्जेक्ट है और एक आपका कॉम्प्लीमेंट है। फिर हमने पढ़ा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है, पूरक शब्द होता है। और पूरक शब्द में हमने देखा दोस्तों कि एक पूरक शब्द जो है दो तरह से हो सकता है, या तो वो सब्जेक्ट की कमी को पूरा करेगा या तो वो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करेगा दोस्तों। उसके बाद फिर हमने देखा दोस्तों कि जो सेंटेंस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक था दोस्तों वो था टेंस। और हम लोगों ने कल टेंस पर विस्तार से चर्चा किया था कि आखिर टेंस बना कैसे है, टेंस कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीजें हमने कल देखी थी दोस्तों। आज हम लोग उसी क्रम में आगे चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को तय करना। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या चीज है, मेन वर्ब क्या चीज है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अनुसार लगती है और किस प्रकार लगती है, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे दोस्तों। एक बार आप लोग शेयर करिए सुनील, अनुज भाई बंधु, एक बार आप शेयर करिए, गौरव, चंदन, नितेश, सुभाष, आकृति, गोविंद, नील प्रताप, मानस अवस्थी, आप सभी लोग एक बार शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं हमने क्या लिखा है, एक नजर आप इस पर डाल लीजिए, उसके बाद फिर मैं समझाता हूं दोस्तों। आपके पास मैंने कहा दोस्तों तीन प्रकार के जो है टेंस होते हैं आपके, एक आपका प्रेजेंट होता है दोस्तों, एक आपका पास्ट होता है दोस्तों, और एक आपका फ्यूचर होता है। ठीक, कोई भी घटना हो दोस्तों, मैंने कहा कि टेंस का मतलब होता है
किसी घटना के घटने का जो समय बताता है दोस्तों वही टेंस कहलाता है, अर्थात क्रिया का वह रूप, टेंस जो है क्रिया का वह रूप होता है जो समय को बताता है कि कोई कार्य जो है कब किया गया। तो हमने कहा दोस्तों, और समय अगर बताता है तो जानते हैं कि समय तीन प्रकार का होता है, या तो वर्तमान में होगा, या तो पास्ट में होगा, और या तो फ्यूचर में होगा। मतलब या तो चल रहा है, या तो चल रहा था, और या तो चल रहा होगा दोस्तों, अर्थात यही तीन चीज है। तो वही हमने लिखा है दोस्तों, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर दोस्तों। और हमने कहा दोस्तों कि तीन प्रकार से होता है, एक आपका इंडेफिनिट होता है, एक आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, एक आपका परफेक्ट होता है, और एक आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है दोस्तों। इंडेफिनिट का मतलब जो अभी लग रहा है, चल रहा है, प्रेजेंट में है दोस्तों, वो आपका इंडेफिनिट में हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, अगर कार्य आपका लगातार चल रहा है, कार्य आपका लगातार चल रहा है दोस्तों, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस में होता है। वहीं आपका परफेक्ट दोस्तों, मतलब दोस्तों कार्य अगर आपका हो चुका होता है, कार्य अगर आपका हो चुका होता है तो आपका परफेक्ट में होता है। और आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि कार्य आपका कई समय से चल रहा हो, काफी पहले समय पहले से चल रहा हो, समय भी हमको दिया गया हो दोस्तों, तो वहां पर हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। अब हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है या सहायक क्रिया होती है दोस्तों, वो होती है डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू डज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की विल शैल। उसी तरह दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इज आर एम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाज वेयर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की विल बी शैल बी। फिर दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज हैव, और पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की दोस्तों विल हैव शैल हैव। वहीं अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो देख रहे होंगे आप लोग दोस्तों, थोड़ा सा यहां नीचे नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि हैज हैव, उसी में बीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? बीन। मतलब जो ये आपका परफेक्ट टेंस है, इसी में आगे बीन जोड़ दीजिए सब में, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये सारी चीजें हैं, आप सब कक्षा 8 से पढ़ते आए होंगे, इसमें कुछ नया नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आगे चलता हूं। देखिएगा मेन दिक्कत यहां फॉर्म में आती है दोस्तों, याद रखिएगा इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ दोस्तों वर्ब की, इन तीनों के साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इन तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है हमेशा। वही दोस्तों इन तीनों के साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है, और इसमें निकलता है दोस्तों रहा, रही, रही। अगर दोस्तों रहा, रही, रहे निकल जाएगा और ये सब मिल जाएगा, तो वहां पर दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। किसी को कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। वहीं अगर हम इनकी बात करें, ये पांच लोग ऐसे हैं दोस्तों, ये पांच लोग ऐसे हैं, मतलब पांच मतलब हैज, पांच लोग का मतलब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, पांच लोग हैं दोस्तों। ये पांच लोग ऐसे हैं दोस्तों कि इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, अर्थात हैज बीन, है बीन, बिल है बीन, सेल है बीन, हैड बीन, तो इसके साथ दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, हमने सारी चीजें बता दी, इसको आप नोट कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए होंगे दोस्तों तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हो गया हूं दोस्तों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, चलते हैं आगे चर्चा करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में लिखिए दोस्तों, नोट में लिखिए प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और पास्ट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, सुनिएगा दोस्तों, अगर अभी कह दिया जाए कि वह जाता है, अगर कह दिया जाए दोस्तों वह जाता है, तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसका अगर अनुवाद करेंगे दोस्तों, तो इसका अनुवाद यह नहीं करेंगे कि ही डज गो, यह दूसरा अर्थ निकल जाएगा दोस्तों। वह जाता तो है, वह खाता तो है, वह पढ़ता तो है, अगर यह आ जाएगा दोस्तों तब तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन अगर साधारण वाक्य होगा दोस्तों, वह जाता है, वह खाता है, वह खेलता है, वह नाचता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, तो दोस्तों अगर ये सब वर्ड मिल जाएंगे अर्थात सिंपल वर्ड मिल जाएगा, तो यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। वही चीज आपने नोट में लिखा दोस्तों, अर्थात हम निम्न प्रकार से इन दोनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम निम्न प्रकार से करते हैं। लिख लीजिएगा दोस्तों, इन दोनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद, इन दोनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम निम्न तरीके से करते हैं। सुनिएगा दोस्तों, अगर दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस है पी प्रेजेंट आई टी लिखा हो, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट आई टी लिखा हो दोस्तों, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों मैंने कहा, क्या कहा दोस्तों भाई, या तो आपका सिंगुलर होगा और या तो प्लूरल होगा, या तो आपका सिंगुलर होगा दोस्तों, या तो आपका प्लूरल होगा। और दोस्तों अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है दोस्तों। अगर सिंगुलर रहेगा दोस्तों, अर्थात वह स्कूल जाता है, तो वह का मतलब ही, और ही आपका सिंगुलर है दोस्तों, अर्थात इसके साथ जब वर्ब का प्रयोग करेंगे, गो का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो गो में यस या यस लगेगा। उसी तरह तुम पढ़ते हो, यू लिख लिए दोस्तों, और यू आपका बहुवचन है, और बहुवचन में केवल दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लूरल में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो चाहे आपका सिंगुलर हो, चाहे आपका प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा दोस्तों वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, इसको आप लोग नोट में लिखिएगा। जैसा कि मैंने बोला, नोट में मैंने लिखवाया दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर मैंने नीचे बोला दोस्तों कि इन दोनों टेंसों के अफर्मेटिव का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा और सिंगुलर रहेगा दोस्तों, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देंगे। प्लूरल रहेगा दोस्तों, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लिखेंगे। जैसे लिख लीजिए, एक ट्रांसलेशन लिख लीजिए दोस्तों, वह एक पत्र
लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, तो ही माने वह। लिखना दोस्तों, तो लिखना मतलब राइट, तो ही राइट दोस्तों वह लिखता है। अब हमने कहा दोस्तों कि अगर आपका सिंगुलर रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा, यहाँ पर दोस्तों ही लिखा है और ही आपका एक वचन है, हमने कहा कि एक वचन के साथ यस या यस लगता है, अर्थात ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो वह बाजार जाता है, और दोस्तों वह बाजार जाता है मतलब क्या हुआ, ही माने वह, गो माने जाना दोस्तों। अब हमने कहा कि ये देखिए कि क्या सिंगुलर है या प्लूरल है दोस्तों, तो देख रहे हैं ही आपका है अर्थात सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, तो ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है दोस्तों। वहीं अगर हम और बात करें, वहीं अगर हम एक सेंटेंस की और बात करें, इसको आप एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आप इसको दोनों को लिख लिए होंगे दोस्तों, सुनिएगा एक सेंटेंस और देखिएगा। तुम एक पत्र लिखते हो, जी हाँ दोस्तों तुम एक पत्र लिखते हो, तो आप देख रहे हैं दोस्तों तुम यानी कि यू अंत में गए लिखना, तो यू राइट। अब दोस्तों यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोग बताइए कि इसमें यस या यस लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहां पर यू लिखा हुआ है और यू आपका बहुवचन है, और हमने कहा दोस्तों बहुवचन का मतलब प्लूरल है, और अगर प्लूरल रहेगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात यू राइट, उसके बाद आगे आएंगे दोस्तों तो ए लेटर, यू राइट ए लेटर, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि दूसरा जो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है मतलब सुनिएगा, जैसे वह स्कूल गया, तो हमने बताया था दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि जब आप सेंटेंस को पढ़ें और पढ़ने के बाद आपका मुंह खुला का खुला रह जाए, ठीक, जैसे वह स्कूल गया, तुमने खाना खाया, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपका मुंह जो है अगर खुला का खुला रह जाता है तो जान लीजिएगा कि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे दोस्तों तो ही माने वह और गया, हमने कहा दोस्तों कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर गया यानी कि जाना और गो मतलब जाना, तो गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों वेंट, तो ही वेंट स्कूल, वह स्कूल गया। या फिर दोस्तों कह दिया जाए कि तुमने एक पत्र लिखा, तो यानी कि दोस्तों यू रोट ए लेटर, यानी कि यू माने तुमने, रोट माने लिखा, ए लेटर माने एक पत्र। तो ये था दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस, और निगेटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लिख करके उसके आगे आप सेंटेंस को लिख दीजिए। जैसे दोस्तों अगर निगेटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कह दिया जाए वह स्कूल नहीं गया, जी हाँ दोस्तों वह स्कूल नहीं गया, तो ही माने वह और डिड नॉट, लेकिन दोस्तों जब नॉट लग जाएगा अर्थात डिड लग जाएगा दोस्तों, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी, यानी कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल। उसी तरह दोस्तों जैसे अगर कह देता वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही माने वह, फिर देखिए दोस्तों नहीं लग गया अर्थात ही डज नॉट
गो टू स्कूल। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि जब हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं थी तो यहाँ पर वर्ब सेकेंड फॉर्म थी, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं थी दोस्तों तो यहाँ पर गो में यस या यस लगा था, और जब हम उसको लिखेंगे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जब लिख देंगे तो यहाँ पर जो लगा रहेगा वो हट जाएगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब क्या हुआ कि जो वर्ब है, जो वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होती है दोस्तों, ये जोकर का काम करती है, नौटंकी के जोकर का काम करती है। आप सोचिए कैसे, नौटंकी के जोकर का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब राजा चला जाता है कहीं, अर्थात जब राजा अंदर चला जाता है तो जोकर जो होता है वो राजा का मुकुट पहन लेगा और राजा की तरह चलने लगेगा। तो और लेकिन जब राजा आता है दोस्तों तो वो तुरंत फिर से जोकर मतलब कि जो नौकर होता है उसी की तरह खड़ा हो जाता है, अर्थात एक नौकर की तरह कार्य करता है जो वर्ब होता है हमारा। ठीक, जब हेल्पिंग वर्ब रहेगी दोस्तों तो ये अपने ओरिजिनल रूप में रहेगा, यानी कि वर्ब आपके ओरिजिनल रूप में रहेगी, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी दोस्तों तो ये फिर अपना रूप बदल देगा। तो ये है दोस्तों, ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जहां पर समस्या होती है। बाकी सारा टेंस आपका उसी तरह है जिस तरह आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। एक चीज और लिख लीजिए दोस्तों, इसी के बाद आगे लिखिएगा दोस्तों, आगे लिखिएगा, बच्चों को कंफ्यूजन होती है दोस्तों एक चीज में और कंफ्यूजन होती है जो कि है सिंस और फार। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सिंस का प्रयोग कहां करते हैं और फार का प्रयोग कहां करते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि अगर आपको निश्चित समय दिया गया रहे, अगर आपका समय जो है अगर निश्चित दिया रहे दोस्तों तो वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं, और अगर निश्चित ना हो दोस्तों तो वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये तो ठीक है, पहचानने का तरीका ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे यही नहीं समझ पाते कि सर कैसे जानेंगे कि निश्चित समय दिया गया है। तो याद रखिएगा, जब आप प्रश्न पूछिए दोस्तों, कार्य कब, सुनिएगा, कार्य कब शुरू हुआ, प्रश्न करिए दोस्तों कार्य कब शुरू हुआ, और अगर इसका जवाब मिल जाए, कार्य कब शुरू हुआ का जवाब मिल जाए दोस्तों, तो जान लीजिएगा कि समय निश्चित है, अर्थात सिंस का प्रयोग होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, यह तो आपका सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वहीं दोस्तों अगर कह दिया जाता कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो दोस्तों अगर कह दिया जाए कब से पढ़ रहा है तो कह रहा है 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन आपको दोस्तों जवाब नहीं दिया गया कि कब शुरू किया गया, मतलब क्या कहा, कार्य कब शुरू हुआ दोस्तों, कब शुरू हुआ क्या यह बताया गया, केवल यह कह रहा है 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन यह नहीं कहा गया दोस्तों कि इतने बजे पढ़ना शुरू किया, मतलब कितने कब से पढ़ना शुरू किया। लेकिन वहीं अगर कह दिया जाए कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो कब से पढ़ रहा है, कब शुरू किया कार्य, तो 2 बजे शुरू किया। वैसे कह दिया जाए दोस्तों वह जनवरी से घर बनवा रहा है, तो दोस्तों कब से बनवा रहा है, जनवरी से बनवा रहा है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि वह 3 साल से घर बनवा रहा है, तो 3 साल से बनवा रहा है, पता नहीं कब से बनवा रहा है, कब शुरू किया गया क्या पता है दोस्तों, नहीं पता। तो अगर समय पता ना रहे अर्थात निश्चित ना रहे दोस्तों तो फार का प्रयोग करेंगे, लेकिन समय निश्चित रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ वर्ड लिख लेते हैं दोस्तों, आइए कुछ वर्ड लिख लेते हैं सिंस और फार में, लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, एक रूल लिख लीजिए, ये वाला जो मैंने अभी लिखाया रूल लिख लीजिए दोस्तों, परफेक्ट कंटीन्यूअस लिख दिया दोस्तों, तो उसमें आपका तीनों आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो लिख लीजिए दोस्तों, परफेक्ट कंटीन्यूअस में यदि समय दिया गया है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में यदि समय दिया गया है तो 2 प्रकार से प्रश्न करें, तो दो प्रकार से प्रश्न करें। पहला, कार्य कब शुरू हुआ था, अगर इसका जवाब मिल जाए
तो सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर इसका जवाब मिल जाए तो सिंस का प्रयोग करते हैं। वहीं दोस्तों आगे देखिएगा, दूसरा लिखिएगा, नंबर दो में लिखिए, कार्य कितनी देर से चल रहा है, कार्य कितनी देर से चल रहा है, अगर इसका जवाब मिल जाए तो फार का प्रयोग करते हैं। कार्य कितनी देर से चल रहा है, कार्य कितनी देर से चल रहा है, अगर इसका जवाब मिल जाए तो फार का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो फार का प्रयोग करते हैं, तो फार का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों फार का प्रयोग कहां करते हैं, घंटे से, दिन से, साल से। ठीक, मतलब वह दो घंटे से पढ़ रहा है, वह तीन घंटे से पढ़ रहा है, वह छह घंटे से पढ़ रहा है, वह बहुत लंबे समय से पढ़ रहा है। तो अगर ये सब शब्द मिल जाए दोस्तों, एक शब्द और लिख लीजिए दोस्तों, लंबे समय से, तो वहां पर दोस्तों फार का प्रयोग करते हैं। और वहीं सिंस के लिए दोस्तों, अगर मॉर्निंग मिल जाए, सुबह से, इवनिंग मिल जाए, शाम से, वहीं मतलब सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, अगर ये सब मिल जाएगा दोस्तों तब, या फिर जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अर्थात महीने का नाम मिल जाए दोस्तों, तो आपका सिंस का प्रयोग करेंगे। वहीं दोस्तों सुनिएगा, वहीं अगर आपको मिल जाए कि 1990 से, 1992 से, मतलब अगर साल दिया रहे या फिर आप कह सकते हैं 1990 से, 95 से, 98 से, जैसे इसी तरह अगर साल दिया रहेगा दोस्तों तब भी सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 1997, सिंस 1993, सिंस 1992, सिंस 2003, सिंस 2004, अगर ये सब मिल जाएगा दोस्तों तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए दोस्तों। तो ये चीज है, आगे जब हम चर्चा करेंगे अर्थात कल चर्चा करेंगे, आज नहीं दोस्तों, क्योंकि आज आपकी 11 बजे मैराथन क्लास चलनी है, जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों। तो अगले उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो हम चर्चा करेंगे दो क्लाज का अनुवाद। जी हाँ दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे दोस्तों दो क्लाज का अनुवाद, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे बिफोर, इसमें आप लोग पढ़ेंगे आफ्टर। ठीक, बिफोर का प्रयोग पढ़ेंगे, आफ्टर का प्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें बिफोर का प्रयोग तो होता क्या है कि आपके एग्जाम में दोस्तों सेंटेंस दिया रहेगा और इसी को करेक्ट करने के लिए आएगा। बिफोर का मतलब होता है दोस्तों पहले, इसका मतलब इसके पहले परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और कैसे करते हैं हम बताएंगे। उसी तरह आफ्टर का मतलब दोस्तों बाद में, अर्थात इसके बाद में परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो परफेक्ट में कौन से परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस में आप लोग करते रहिएगा। ज्यादा कुछ था नहीं, क्लास 8 वाला ही था, जो एक्स्ट्रा है दोस्तों वो मैं बता रहा हूं। और ये जो है, ये दो क्लास का जो अनुवाद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी परीक्षा हो उसमें से ये बनता है प्रश्न, तो इसलिए हम लोग यही देखेंगे। अर्थात कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा दो क्लास का अनुवाद। आज आपकी वोकैब नहीं चलेगी दोस्तों, आज आप इसके बाद आप आराम कर लीजिए, और आपकी महामैराथन क्लास चलनी है, लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास होगी दोस्तों, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और शाम को आपको, रात में मतलब, आपको नए सर के द्वारा, जो कि आपको नोटिफिकेशन भी मिला होगा, आपको दिख भी रहा होगा, आप रिमाइंडर लगा लीजिए और वो क्लास जरूर देखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहां पर बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप वहां से देखिए, और ग्रामर मैं यहां पढ़ा ही रहा हूं दोस्तों,
और बीच में क्लासेस आपकी चलती ही हैं, एकदम लग जाइए दोस्तों, एकदम लग जाइए। और जय हिंद लिखे दोस्तों, एक बार आज देख रहा हूँ कि मैंने कहा नहीं तो आप लोग जय हिंद नहीं किए दोस्तों, आज मुझे कमेंट देखने का मौका नहीं मिला, तो कोई बात नहीं दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखे दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए, विशाल जय हिंद लिखिए, नील अवस्थी आप भी जय हिंद लिखिए, नितेश आप भी लिखिए, मिश्री लाल आप भी लिखिए, भाई बंधु कहाँ गए आप भी नहीं दिख रहे हैं, अनुज आप भी नहीं दिख रहे हो, एक बार जय हिंद लिखो, पबजी लवर अभी जय हिंद। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे महामैराथन क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लेकर आइएगा दोस्तों, तो जय हिंद।